हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ मेरे बेटे के बर्थडे का सेलिब्रेशन। तो आज मेरे बेटे का बर्थडे था, तो मैंने उसको सबसे पहले एक प्लांट लगवाया रोड साइड पर, और जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा होगा वैसे वैसे ये प्लांट भी बड़ा हो जाएगा, और बड़े होकर ही किसी को फल देगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। इससे बच्चों में गुड क्वालिटी भी डेवलप हुई और उसको अच्छा भी लगा। बाकी सारे बच्चे भी मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे, उन सबको बहुत अच्छा लगा। बच्चों को आज के टाइम में गार्डनिंग से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने अपने बेटे के लिए की डेकोरेशन अपने रूम में ही, जो मैंने खुद से की थी। और यहाँ मैंने बहुत सारे बलून फुला लिए थे, और येलो और ब्लैक का कॉम्बिनेशन मुझे बलून्स में बहुत अच्छा लगा, और ये कॉम्बिनेशन मैंने खुद से ही सिलेक्ट किया था शॉप से। और बलून फुलाते फुलाते यहाँ पर मेरी हालत तो बिल्कुल ख़राब ही हो गई। उसके बाद बहुत सारे बच्चे आ गए उन बलून्स को फोड़ने के लिए, तो मैंने जल्दी से फटाफट उन बच्चों को बोला कि आप बाहर खेल लीजिए जब तक मैं बहुत सारे बलून्स को ब्लो करके और डेकोरेशन कर लेती हूँ। अब मैं सारे बलून्स को अपने वॉल पर स्टिक कर लूँगी डबल डिप टेप से। तो वन बाई वन करके मैंने सारे बलून्स जो हैं वो दीवार पर लगा दिए हैं। और हमारी डेकोरेशन कंप्लीट होने के बाद कैसे लगी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो शाम के बज गए 7, तो चलिए हम अपने बच्चों को रेडी कर लेते हैं और ख़ुद भी रेडी हो जाते हैं पार्टी के लिए। और तैयार हो गए तो बच्चों का ठिकाना ही नहीं रहता है, इधर से उधर भागना इधर से उधर भागना, बस शैतानी की शैतानी ही करे जा रहे थे। तो आज मेरे बेटे का 5th बर्थडे है, 5 साल का कम्प्लीट हो गया है, और देखिए बहुत ही कमज़ोर सा है, पता नहीं मोटा ही नहीं होता है कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं। मे बी इसकी हाइट बढ़ गई इसलिए मोटा नहीं हो रहा। तो चलो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेते हैं हम, बच्चे खुद से ही ठीक हो जाएंगे। अब रेडी होने के बाद वो फिर से बच्चों के साथ खेलने लगा, और बाकी बच्चे भी जो मोहल्ले से आए हुए थे हमारे, तो वो भी उसके साथ खेल रहे हैं। तो चलिए हम अपनी पार्टी की तैयारी कर लेते हैं। ये मेरा न्यू घर है, यहाँ पर मैंने ज़्यादा खाने पीने का सामान रखा हुआ नहीं है, अभी किचन में अच्छे से सेटअप नहीं हुआ है इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया था, और मैंने बस खाने पीने की ये ड्राई चीज़ें ही मंगाई थी बच्चों के लिए, तो ये बच्चों को भी पसंद आती हैं। और खाना मैंने नहीं मंगाया था, छोले भटूरे मंगाने को थी, मैंने बोला भी था लाने के लिए, तो वो फ्रेंड्स सुबह के बने हुए थे तो उसमें स्मेल सी आने लगी इसलिए मैंने नहीं बनाया। गर्मी के दिन चल रहे हैं, क्या पता बच्चों की तबीयत वगैरह ख़राब हो जाए, इसलिए मैंने वो फिर कैंसिल कर लिया। तो अब मैं बच्चे का कर रही हूँ टीका, क्योंकि केक हम लोग काट चुके हैं, और उसके बाद मैं बच्चे की दे रही हूँ गिफ्ट। और उसकी डिमांड थी बबल गन लाने की, जो कि मैं नहीं ला पाई क्योंकि मैंने बहुत सारी शॉप्स ढूंढी, अब वहाँ पर बबल गन नहीं मिली, लेकिन वो स्कूटर देखकर भी खुश हो गया। अब मैं उसके लिए ऑनलाइन बबल गन मंगा दूँगी। अब उनके डैडी कर रहे हैं टीका और केक खिला रहे हैं बाबू को। अब हम सभी बच्चों को नाश्ता करा रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक में मैंने मंगाई थी फ्रूटी, क्योंकि बच्चों को फ्रूटी सबसे ज़्यादा पसंद होती है, तो फ्रूटी बच्चों ने ली। उसके बाद समोसा और कुरकुरे का पैकेट था, और बिस्किट और बहुत सारी टॉफ़ीज़ भी थी। तो सभी बच्चों ने नाश्ता किया। उसके बाद बाबू को जो भी गिफ्ट्स मिले हुए थे, बच्चे बोल रहे थे उनको अनफोल्ड कर दीजिए, यानी कि ओपन कर दीजिए, तो यहाँ पर वो अपने गिफ्ट्स को खुद ही खोल रहा है जिससे उससे खुल नहीं पा रहा था, तो मैंने उसकी हेल्प कर दी और उसके गिफ्ट्स को खोल दिया। बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। उसके बाद मैंने उसको जो स्कूटर दिया है उसकी मैंने अनबॉक्सिंग की, तो बच्चे बहुत ज़्यादा उसको देख के खुश हो गए। और उसके बाद स्कूटर निकाल कर बच्चों को दिया, तो सभी बच्चों ने बारी बारी से स्कूटर चलाया और मज़े किए, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। देखिए सब कितने खुश हो रहे हैं स्कूटर को देख के, क्लैपिंग कर रहे हैं। और सबसे पहले मेरा बेटा ही उस पर खड़े हो गया, सबसे पहले वही चलाने लगा, लेकिन अभी वो छोटा है इसलिए उसको ज़्यादा उस चलाना नहीं आया उसको, तो हम लोग उसकी हेल्प कर रहे थे चलाने में। तो चलिए अब हम और भी जो गिफ्ट उसको मिले थे वो उसको अनफोल्ड कर लेते हैं। हमने सारे गिफ्ट अनफोल्ड कर लिए। उसके बाद बच्चों ने बोला हमें डांस करना है, पार्टी हो रही है, तो फिर मैंने गाना चला दिया, बच्चों ने डांस किया। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको हमारे बेबी का बर्थडे सेलिब्रेशन? अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।